मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास में कचरा डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कचरा डंपिंग से होने वाली बदबू से तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही है। आपको बता दें कि जिस रास्ते पर ये कचरा डंप किया जा रहा है, वहीं से कब्रिस्तान जाने का रास्ता है और इसी रास्ते से मैयत ले जाते वक्त कचरों से होकर जाना पड़ता है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन कई बार यहां पर विरोध हो चुका है, उसके बावजूद भी कचरा यहीं पर डंप किया जा रहा है। स्थानीय लोग इसके विरोध में आज सड़क पर उतर गए थे, हालांकि कुछ देर बाद लोगों को समझा बुझा कर हटाया गया, लेकिन पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी और जो कचरा कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र हैं बापू मखरे और स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बहुमत में भी थे, सारे नगर सेवक भी इधर थे, जब भी इसका कोई रास्ता नहीं अभी तक निकला है और आज भी ये लचर हालत में चल रहा है मुंब्रा। कभी किसी को तनवर के पास तकलीफ हो रही है, कभी किसी को मित्तल के पास तकलीफ हो रही है, मगर ये इसका कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है, इसका मेन पूरा रीज़न क्या है? देखिए, ऐसा है कि बीच में भी हम लोगों ने जा करके, हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, हम लोग ने जा करके कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी कि सर ये दिन ब दिन विषय जो है बहुत गंभीर होते जा रहा है कचरे को लेकर के, खासकर डंपिंग का जो इशू है बहुत ही इशू बनते जा रहा है, सर इसका कोई हमको प्रॉपर रास्ता ऐसा दे दीजिए कि ताकि बार बार ये शहर में जो विवाद हो रहा है ये ख़त्म हो जाए। और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिलाया था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसका रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी भी प्रॉपर रास्ता हमको नज़र नहीं आ रहा है। ये बात कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। जगह बची नहीं है ना, जगह बहुत सारी जगह है ऐसी जहाँ पर रिजर्वेशन की जगह पर प्लॉट है, अभी भी ओपन प्लॉट है, वहां पर कचरा डालिए। और मैं वो बोलता कि वो रिजर्वेशन प्लॉट आप तलाश करिए, महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखें कि कहां पर है वो जगह और उसको प्रॉपर जगह पर कचरा डालें जहां पर लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वो कचरा अगर आप कहीं डालते भी हैं, समझिए कि आप डंप कर रहे हैं, तो ये शाम तक क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कचरा पड़ा रहता है। बाबू भाई, आप लोगों के पास जो है, ये देखिए मैं एकदम साफ बात बोलता हूं, ये जो कंपनी आई है ना अभिषेक कंपनी, ये फेलियर कंपनी है, ये फेल है, ये काम प्रॉपर कर नहीं पाती है, काम हो नहीं पा रहा। जिसके देखिए अगर ये कचरा यहाँ पड़ा नहीं रहता सुबह से शाम तक रात तक, तो ये लोग आते नहीं आपके पास। कहा जा रहा है कि अभिषेक कंस्ट्रक्शन का जो है और ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अभी ये ठेका किसी और के पास है। हाँ, अभी वो उसका वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है, नहीं हुआ है वर्क ऑर्डर, लेकिन ये है कि ये बात सही है कि वो इसका वर्क ऑर्डर, इसका टाइमिंग जो टाइम पीरियड खत्म हुआ है और अभी नया वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है। वर्क ऑर्डर अभी किसको होगा तो प्रॉपर देखेंगे, लेकिन जो मसला डंपिंग का है ये मसला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बाबू भाई, ये अभिषेक कंपनी से जब भी ये विवाद होता है कचरे को लेकर तो आप ही नजर आते हैं। अभिषेक कंपनी का कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं दिखाई देता है। ये मुंब्रा से कचरा उठाने आए हैं या कचरा बढ़ाने आए हैं, इसका पहले आप जवाब। ऐसा है कि अभिषेक कंस्ट्रक्शन ने मुझे यहाँ पे रखा है सुपरवाइजर करके, और मेरी जवाबदारी है कि जो भी मसला होएगा उसके सामने जाके वो फेस करना है। ये बात जो है कि टीएमसी ने हमको यहाँ पे जगह दी थी, ये जो टीएमसी का जगह है, ये टीएमसी का जगह है, आपने देखा होगा कि तनवर में मित्तल में हर जगह चलता था, हर जगह लोग आते थे, तो एक साइड में दो, तो उनके पास एक जगह थी ये। मगर अभी जैसे जफर भाई ने और नया दीदी ने ऐसा कहा है कि ये लोगों को तकलीफ है, तो हम जल्दी से जल्दी अभी ये जो कचरा है ये एक दसरे से पहला, दो दिन दसरा है बाकी, यहाँ से रोड चालू हो रहा है और इसका ओपनिंग भी है, मतलब ये कचरा रहेगा ही नहीं। आप देखो दो जीसीबी पांच हाईवा लगाया है, अभी पहला दो था अभी पांच। और सबसे बड़ा मसला ये है कि भंडारली में जो अपना डंपिंग है, भंडारली में जो पूरा कचरा वहाँ पे जाता है, अगर उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक दो गाड़ी कचरा यहाँ पे रुक जाता है। रही बात जैसे जफर भाई ने और सभी लोगों ने कहा है कि यहाँ दवा मारना वो मारेंगे, ये कचरा एक चार दिन में पूरा ख़त्म करके यहाँ कचरा डाला नहीं जाएगा, अंदर जगह कोई भी जगह देख के वो आप बीमार होएंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, उसके लिए दवा और पाउडर ये अभी एक 10 मिनट में आ रहा है, वो उसकी व्यवस्था करेंगे। जब बोला जाता है या विवाद होता है
जब ही दवाओं का छिड़काव होता है और जब ही ये सब दिखाई देता है उसके पहले क्यों नहीं करते? नहीं, दवा मार के जाते सुबह, जो जो इनको मालूम है दोनों नगर सेवक सामने जो अपना ये पल्ले पल्ले का जो कॉन्ट्रैक्ट है दवा मारने का, वो लोग सुबह आके दवा मार के जाते, फिर भी दिन में फिर भी अगर इनका कहना ना, नहीं इन्होंने जो कहा जो अभी एक टाइम मारते थे अभी दो टाइम मारेंगे, दो टाइम पाउडर मारेंगे, दो टाइम दवा मारेंगे, और एक कचरा मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि चार पांच दिन में पूरा कचरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। बाबू भाई ने क्या कहा? ये आप शादी वाले हैं, आप लोग आज काफी दिन से चिल्ला रहे हैं जी, आप लोगों के घर में बास आती है और मच्छर है, सब बीमारी हो रही है, तो अभी ये नहीं हटाया जाता है जैसे चार दिन पांच दिन का जो ये बहाना है, हम तो साफ बोलेंगे ये बहाना है, क्योंकि आज तक के इनको प्रॉपर जगह नहीं दी गई है, तो अभी आप लोगों का अगला कदम क्या? मैंने तो यहाँ पे जफर भाई को कॉल किया था, कॉल करके उनको हमने बुला के लिए है, ठीक है। अभी इन्होंने बाबू भाई ने कहा है कि 27 तारीख तक यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, रोड का ओपनिंग होने वाला है, कचरा यहाँ पे आप डालो ही मत, आप म्युनिसिपैलिटी में जाके बात करो, आपका जो ठेकेदार है अभिषेक या उसका वर्कर दूसरे को जाने वाला है उससे बात करो, यहाँ पे ये एरिया में हमको कचरा चाहिए ही नहीं, अगर लोग बीमार होते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप लेने वाले जिम्मेदारी, अभिषेक कंस्ट्रक्शन लेने वाले जिम्मेदारी, कोई लेने वाला जिम्मेदारी इसका? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो अभी जैसा कि मसला है बास आती है मच्छर रहता है बरूबर है, हम सुबह तो दवा और पाउडर मारते हैं, मगर अभी अगर ऐसा है तो अभी दिन में दो बार हम लोग कंपलसरी दवा और पाउडर मारेंगे। अगर उससे भी अगर नहीं हुआ तो नहीं, उससे तो होएगा वो तो, उससे अगर प्रॉब्लम हुआ तो कैसा क्या करेंगे वो मुझे बताइए, सोल्यूशन मुझे चाहिए उसका। प्रॉब्लम ये हटा देंगे ना, यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, आप मुझे आश्वासन दो कि हम यहाँ पे कचरा डालेंगे ही नहीं। अभी जो जगह पे कचरा चालू है वो जगह पे ये कचरा उठाने के बाद में पूरा खत्म होगा, हम लोग यहाँ नहीं, उसके बाजू में किधर जगह हमको कोई दिया देने वाला है हम जगह हटा देंगे। आपने चार दिन बोला ना, अभी चार दिन के बाद में 25 तारीख आती है, 25 तारीख नहीं 27 तारीख होने दो, तब तक पूरा